चीन में मोबाइल गेम से दूर होगी किसानों की गरीबी। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले मुल्क चीन की सरकार ने देश की गरीबी को दूर करने के लिए एक अनोखा व इनोवेटिव तरीका खोज निकाला है। चीन ने एक ऐसा मोबाइल गेम तैयार किया जा रहा है जो देश की एक बड़ी आबादी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस गेम को खेलने वालों को क्रेडिट मिलेगा जिसका इस्तेमाल किसानों के उत्पाद खरीदने में किया जा सकेगा। चीन के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले गरीबी निवारण कार्यालय ने मैसेजिंग चैट ऐप वीचैट के साथ एक मोबाइल गेम बनाने का समझौता किया है। दरअसल इस प्लेटफॉर्म से गेम खेलने वालों को जो क्रेडिट मिलेगा वे इसका इस्तेमाल डिस्काउंट कूपन के तौर पर कर सकेंगे। इन कूपन से वे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्थानीय किसानों से चावल और फलों को खरीद सकेंगे। इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले बैच में यूनान प्रांत की योंगशेन काउंटी, हुनान प्रांत की पिंगजियांग काउंटी और शांक्सी प्रांत की फेंगसी काउंटी को गेम के वर्चुअल मैप पर रखा गया है। चीन की सरकार गरीबी को समाप्त करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। 2018 में चीन के ग्रामीण इलाकों से 1,38,00,000 लोग गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। चीन ने पिछले साल के अंत तक गरीबों की संख्या को 1,66,00,000 तक ला दिया है जबकि 2012 में इनकी संख्या 9,89,00,000 थी। चीन ने 2020 तक गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।